सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी कविता जिसके 11 भाग पहले रिलीज हो चुके हैं, और ये कविता कविता ना होकर के मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। इस कविता में मैंने नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं उनके अनुभव को अनुभव किया है, उनकी समस्याओं को जिया है, उनके जीवन को जिया है। क्योंकि पिछले महीने मेरी आंखों की सर्जरी हुई थी और डॉक्टरों के निर्देशानुसार मैं प्रिकॉशन पर था, तो बस आंखें बंद करके लेटे रहना है, दवाई डालते रहना, आंखें बंद करके लेटे रहना है, और वो भी अंधेरे कमरे में जिसमें कोई बल्ब वगैरह भी ना जला हो, चूँकि आँखों को रोशनी से बचाना था। तो उस समय मैंने अनुभव किया कि जब मैं प्रिकॉशन पर इतनी समस्याओं को का सामना कर रहा हूँ, तो जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं। तो तब मैंने इस कविता को लिखा, और ये कविता मैं नेत्रहीनों अपने भाई बहनों को ही समर्पित करता हूँ। कविता का शीर्षक, जैसा कि मैंने बताया, नज़र दृष्टि। कविता कुछ इस तरह से थी। नज़र नहीं तो कैसे नज़ारे, नज़र से ही ये जहाँ है रोशन। नज़र नहीं तो कैसे नज़ारे, नज़र से ही ये जहाँ है रोशन। कविता का 12वां भाग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और इसमें मैंने आपको सभी का आह्वान किया है कि जहाँ तक संभव हो अपनी आँखों का ध्यान रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि इलाज से अच्छा परहेज होता है, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आँखें हैं अनमोल, इनको संभालो। आँखें हैं अनमोल, इनको संभालो। धुएं धूल विकिरण से इनको बचा लो। धुएं धूल विकिरण से इनको बचा लो। आँखें हैं अनमोल, इनको संभालो। धुएं धूल विकिरण से इनको बचा लो। परहेज बेहतर है उपचार से, परहेज बेहतर है उपचार से, वरना तो होते हैं ऑपरेशन। नज़र नहीं तो कैसे नज़ारे, नज़र से ही ये जहाँ है रोशन। बिना नज़र के सब कुछ अंधेरा, बिना नज़र के सब कुछ अंधेरा। बेरंग है ये बदलते मौसम, नज़र नहीं तो कैसे नज़ारे, नज़र से ही ये जहाँ है रोशन। वीडियो कैसी लगी आपको, कविता कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।